लंबे इंतजार के बाद देवीपुर एम्स में ओपीडी सेवा मंगलवार को शुरू हो गई है, जहां मरीजों को अभी सिर्फ चिकित्सा परामर्श दिया जाएगा। एम्स अस्पताल के डायरेक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने कहा कि अब ओपीडी सेवा मंगलवार और शुक्रवार को रहेगी, अभी सिर्फ चिकित्सा परामर्श दिया जाएगा, इमरजेंसी सेवा नहीं होगी, कोई ऑपरेशन भी नहीं किया जाएगा। दिस एम्स देवघर हैज स्टार्टेड जो सोशल सर्विसेज को उन्होंने शुरू किया यहाँ, सोमवार और शुक्रवार को सप्ताह में दो दिन जो है यहाँ उनके कंसल्टेंट्स बैठेंगे और यहाँ के पेशेंट्स को देखेंगे, और ये काफ़ी एक ऐतिहासिक शुरुआत है। और एम्स के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको उनका सहयोग और उनका जो हेल्प हम लोगों को मिलेगा, यहाँ के पेशेंट्स और यहाँ के जो हेल्थ सिस्टम है, और आने वाले दिन में जब भी ये ओपीडी शुरू होगा और भी ज़्यादा हम लोगों को मदद होगा। कितने डॉक्टर के यहाँ पे सर्विस? और यहाँ अभी एम्स में 40 से भी अधिक डॉक्टर्स और अलग अलग डिसिप्लिन में है, जैसे फार्माकोलॉजी हो गया, साइकियाट्रिस्ट हो गया, ऑर्थोपेडिक्स, पेडिट्रिशियन, बहुत सारे हैं, तो सब लोग वो जो अपना एक टाइम टेबल बना के यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे सेवाएं शुरू कर रहे हैं। अभी मंडे और फ्राइडे को हम लोग ओपीडी शुरू करेंगे और केवल परामर्श चिकित्सा यहाँ शुरू की जाएगी, इसको हम कंसल्टेशन के मरीज को केवल राय दी जाएगी, लेकिन कोई अभी शल्य चिकित्सा या कोई मेडिको लीगल केस या ऑपरेशन का केस अभी नहीं लिया जाएगा, कोई मरीज भर्ती नहीं किया जाएगा। केवल हम जो राज्य सरकार की सेवाएं हैं उनको एक सहयोग दे रहे हैं। यह एम्स का सेंटर नहीं है, ये राज्य सरकार का ही सेंटर है, एम्स केवल सहयोग दे रहा है। तो हम लोग जो स्पेशलिस्ट की जो सुविधाएं हैं जो इस अभी सीएचसी में नहीं थी उनको केवल हम ऑगमेंट कर रहे हैं। तो ये पहला कदम एम्स देवघर में रख रहा है, और क्योंकि हमको ये भारत सरकार ने ये इस पूरे स्थान के लिए जो एक हम लोगों को दिया है कि हमें एक प्रिवेंटिव और उसके अलावा जो क्यूरेटिव केयर होती है दोनों प्रोवाइड करें, तो हम यहाँ पे इस इलाके के आसपास का जो एरिया है उसमें हम लोग हेल्थ का सर्वे भी करेंगे। हमारे यहाँ एक विभाग होता है कम्युनिटी मेडिसिन विभाग, उसमें हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर रिचा उसकी वो हैं अभी फैकल्टी, तो ये एक सर्वे भी करेंगे बच्चों के साथ मिलकर हमारे स्टूडेंट साथ, और जो यहाँ पे कमियाँ पाई जाएंगी उनका हम राज्य सरकार को रिपोर्ट भी देंगे कि उसमें हम कैसे। सीए साहब से अभी बात हुई है कि हम लोग वो आपको रिपोर्ट देंगे और जो हम सहयोग कर सकते हैं उनको स्ट्रेंथन करने में। तो यहाँ के लोगों की जो रहने की जैसे युवा लड़कियां हैं लड़के हैं उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अभी डीसी साहब कह रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा बच्चों की शादी जल्दी होती है उसके बारे में लोगों को ज्ञान देना, तो वो सब चीज़ें प्राथमिकता पे दी जाएंगी। केवल सिर्फ उपचार नहीं है, इस पूरे क्षेत्र का स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रयास किया जाएगा। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।